हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकंड हैंड कार से रिलेटेड थ्री वीडियोज मिलती रहती हैं। एक सेकंड मैम, यहीं खड़े रहना जहाँ खड़े हो। क्या नाम है आपका? रिद्धि। रिद्धि, रिद्धि जी आपने भी जो गाड़ी रोकी है, क्या ये रोकने का सही तरीका था? नहीं, पूरा क्लच दबा के रखो। आप पहले गाड़ी की कंडीशन देखो क्या है। स्ट्रेट नहीं है ये, टेढ़ी, एकदम टेढ़ी गाड़ी खड़ी है आपकी, यूं गाड़ी खड़ी है। यहाँ पे कोई रोकने का तरीका ही नहीं था। गाड़ी कभी भी हम स्टॉप करते हैं तो एकदम गाड़ी को सीधा करके करते हैं। अब आधी गाड़ी आपकी राइट वाली लाइन में है और आधी गाड़ी उस साइड पूरी नहीं है। चलिए बढ़ा लीजिए। कभी भी गाड़ी जब भी हम स्टॉप करते हैं तो गाड़ी की सिचुएशन जो है, अगर नॉर्मली आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा होना चाहिए। गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी सीधे स्टॉप करोगे तो अगर मान लो बाय द वे कोई पीछे से आ गया तो हिट कर देगा, वो टकरा जाएगी। जब भी गाड़ी रोकनी तो पहले सीधी करके गाड़ी, और रोकते टाइम तीन चार चीजें होती हैं। सबसे पहले अपने लेफ्ट और राइट वाले आरबीएम को चेक करना है, लुकिंग ग्लास को चेक करना है कि मेरे अगल बगल तो कोई नहीं है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, अगला बंदा थोड़ी सीख रहा है। तो उसके लिए हमें बिफोर प्लान करना पड़ेगा। अभी स्टॉप करो गाड़ी, फिर बढ़ाओ क्लच, जल्दी छोड़ देती हैं आप, बहुत जल्दी। आप देखो मेरी तरफ देखो, आज मैं आपको बताता हूँ, देख लो सुन लो, हो सकता है आपके माइंड में ये चीज अगर बैठ गई तो। हटा लो पैर दोनों, हटा लो पैर ही, हटा लो आप। ठीक है, ये मैंने लिया क्लच और ले लिया ब्रेक। ठीक है, मैंने ये छोड़ दिया ब्रेक और ये देखो क्लच, ये होता है क्लच को रिलीज करने का तरीका। सिचुएशन देखो, इंजन के साउंड को देखो और इंजन का मोमेंटम देखो। मैंने फिर पूरा क्लच दबा लिया, फिर हल्का सा ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई, फिर मैंने ब्रेक को फ्री किया, फिर धीरे से क्लच। मेरे पैरों का मोमेंट देखो, जरा सा भी पैर डिसबैलेंस हो रहे हैं, फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, फिर हल्का सा ब्रेक ले लिया, फिर मैंने ब्रेक को छोड़ा ये, और हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी मूव। कभी पूरा क्लच छोड़ने की जरूरत नहीं। और आप पता है क्या करती हो आप, ऐसे क्लच ब्रेक दबाया और ऐसे करके ऐसे 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 पूरा क्लच एक ही बार में छोड़ देती हो, पूरा क्लच। कभी भी फर्स्ट गियर में पूरा क्लच रिलीज ही नहीं करना होता है, सिर्फ 20% क्लच रिलीज करो और आप पूरा 95% क्लच छोड़ देती हो। 95% क्लच कब छोड़ना होता है? जब हमें दूसरा गियर डालना है, जब हमें सेकंड गियर की वापस स्पीड मेंटेन करनी है, और आप क्लच झटके से छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी बार बार बंद हो जा रहा है। इंजन स्टार्ट करिए, राइट वाला पैर कहाँ है आपका? कार को स्टार्ट करते टाइम राइट पैर कहाँ होना चाहिए? और आपने नीचे रख लिया। हो गई हो गई, वापस क्लच दबा के ब्रेक लो, स्टॉप करो गाड़ी। ब्रेक झटका क्यों लगा? झटका क्यों आया? क्योंकि आपने ब्रेक ज्यादा दबा दिया। यहां पे ज्यादा दबाने की कोई रीजन है कोई? फिर अभी यहां से यू टर्न भी मारना है, गाड़ी अपनी लेफ्ट रखो, चलो बढ़ाओ, बस इससे ज्यादा क्लच नहीं छोड़ते हैं। फिर वापस पूरा क्लच दबाओ, पूरी गाड़ी क्लच से रुक जाएगी। आप ब्रेक नहीं भी लोगे तो भी गाड़ी आपकी रुक जाएगी, समझ रहे हो? तब भी रुक जाएगी। फिर पूरा क्लच दबाओ और लेफ्ट लेके आओ गाड़ी, और लेफ्ट लेके आओ, हाँ और लेफ्ट। अब छोड़ो धीरे धीरे क्लच, अब राइट का सिग्नल दो और पूरी 90 डिग्री से घुमा दो, फुल फुल, बस घूम ही रहने दो, कुछ नहीं करना है, पूरी स्टीयरिंग घूम टर्न रहने दो। इसको 90 डिग्री से बोलते हैं, 3 और 9 वाला जो क्लॉक टाइम है, 1.5 राउंड, 1.5 राउंड हो गए पूरे आपके। अभी सीधी करो फटाफट, घूम गई। और कल कैसे आपने यू टर्न मारा था? इतनी ज्यादा स्पीड थी, रोड से नीचे उतर जाएगी गाड़ी, आपको पता ही नहीं चलेगा। यू टर्न हमेशा फर्स्ट गियर में करना चाहिए। बताइए थर्ड गियर में कभी यू टर्न किया जाता? आपने गाड़ी नहीं कंट्रोल करी थी। अभी स्पीड बढ़ाइए, क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। राइट वाला पैर ब्रेक पे आया, गियर ही नहीं लगा, न्यूट्रल पे छोड़ दिया आपने, तीसरा गियर डाल दिया आपने, अभी इससे पहले तीसरा गियर डाला था। और लेफ्ट आओ, सामने जहाँ बोर्ड लगा है वहां पे रोकना है, फिर अभी आपको बैक करना है, मैं बताऊंगा। अब व्हाइट वाली लाइन पे आप लेफ्ट वाले टायर को रखो, जो लेफ्ट वाला टायर है आपका व्हाइट लाइन पे रहना चाहिए।
अभी उस पेड़ के पास जाके आपको स्टॉप करना है इसको। सिग्नल क्यों दिया आपने? अभी स्टॉप करो, फुटपाथ पे नहीं उतारना है मैडम। आपने फुटपाथ पे उतार दिया गाड़ी, आपने देखो फुटपाथ पे उतार दिया। देखो इधर अपना नजर डालो, व्हाइट लाइन देखो कहाँ है, आपके टायरों के बीचों बीच में व्हाइट लाइन है। आया समझ में? आपने करीब 2 से 2.5 फीट नीचे गाड़ी डाउन कर दी। चलिए बैक गियर डाल लीजिए, कोई बात नहीं। छोड़ो, ये फोर्थ गियर है, बैक गियर इधर पूरा पुश करके लगेगा, पूरा अपनी तरफ खींच के, पहले पूरी ताकत खींचने में लगाओ। छोड़ दो, अटक रहा है, चलो लग गया, जाओ अभी सीधा सीधा राइट बैक में जाना है। पहले ब्रेक छोड़ो फिर धीरे से। नजर कहाँ है आपकी? लेकिन ये वाली मिरर, दोनों मिरर पे रहनी चाहिए, लेफ्ट और राइट। राइट में कम रहेगी, लेफ्ट में ज्यादा रहेगी, गाड़ी अपोजिट जा रही है आपकी। दोनों मिरर आपको चेक करते रहना, लेफ्ट और राइट वाले, ताकि आपके अगल बगल क्या चल रहा है वो आपको समझ में आए। देखो लेफ्ट में कितना ज्यादा आपने गैप कर दिया, देखा, हल्का राइट रखो, लेफ्ट आओ हल्का, हाँ हल्का राइट रखो और लेफ्ट आओ, बस जाने दो धीरे धीरे, राइट रखो हल्का, बस जाने दो धीरे धीरे, हाँ चलते रहो धीरे धीरे, हाँ हल्का लेफ्ट आओ, हल्का राइट रखो, पत्थर है लेफ्ट में, लेफ्ट आओ हल्का, बस राइट रखो हल्का, लेफ्ट आओ हल्का, राइट रखो, हाँ अभी स्टॉप करो पूरा क्लच धीरे से ब्रेक। पूछिए क्या पूछ रही हूँ, तो लेफ्ट में अगर गाड़ी स्पेस है तो कम है तो राइट घुमाओगे स्टीयरिंग, गाड़ी राइट चली जाएगी। अगर राइट में कोई कुछ मलवा या कुछ पड़ा है उसका अपोजिट चलेगा। आप देखो इधर लेफ्ट में कितना बड़ा वो था, जब मैंने आपको बोला आपने हल्का राइट घुमाया तो बच गया। जाओ धीरे से पीछे जाओ, जाओ जहां तक ले जा सकते हो, जाने दो, हल्का सा लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, राइट रखो हल्का, बस जाने दो और राइट, लेफ्ट आओ, राइट रखो हल्का, बस जाने दो धीरे धीरे। समझ में आ रहा है किधर आप घुमा रहे हो? किधर? हल्का लेफ्ट आओ, हाँ बस, और लेफ्ट आओ, हाँ और अब यहाँ पे गाड़ी रोको पूरा क्लच देन ब्रेक। अब पूरी स्टीयरिंग राइट घुमा दो 90 डिग्री से, पूरी स्टीयरिंग राइट घुमा दो फटाफट, जल्दी जल्दी, फुल घूम गई। चलो अब जाने दो, कहाँ देखोगी, कौन से मिरर को? हाँ राइट वाले मिरर को, चलो पहले ब्रेक छोड़ो, राइट वाले मिरर को चेक करो, जाओ फुल कटी रहने दो, फुल फुल फुल। अब देखो झटके से आपने क्लच छोड़ा, गाड़ी आपकी भागने लगी, फुल कटी रहने दो, फुल 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 फुल, हाँ फुल स्टॉप, पूरा क्लच और ब्रेक। किसने कहा था सीधा करने को आपको, किसने कहा ये चीज? अरे मैडम जब मैंने आपको कहा है ना फुल कटी रहने दो फुल, तो आपको सीधे ही आपने सीधी करी, देखो गाड़ी झाड़ी में चली गई, आपको सीधा करने की जरूरत ही नहीं थी, आपने सीधी करी तो पीछे, या तो आपने जब सीधी करी थी तो गाड़ी रोक लेती। अब ये देखो कितनी गाड़ी आपकी झाड़ में चली गई, देख रहे हो, ये देखो करीब 2.5 से 3 फीट नीचे चली गई अंदर। अब जब नहीं इसको सीधा करती तो वो रोडी पे रहती गाड़ी ये। अब चलो सीधा कर लो, पूरी सीधी करो फुल, और अब पहले गियर में करो उसको। अभी बहुत सारी चीजें आपकी ना कंफ्यूजन में रहती हैं, आप करना कुछ और चाहती हो कुछ और रहा है आपके साथ, तीसरा गियर है ये। चलो पहले ब्रेक तो छोड़ो, आपने ब्रेक दबा रखा था और ब्रेक क्लच छोड़ दिया, अभी आपने 20 से 30% ब्रेक दबा रखा था और ये डिस्क ब्रेक होता है, अगर आप 10% भी ब्रेक दबाई होगी तो क्या होगा, इंजन बुझ जाएगा।
संजय एक मिनट होल्ड करो, मैं अभी तुरंत को कॉल कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, दो मिनट रुको, वेट करो। अभी फिर यहाँ से यू टर्न मारना है आपको। यू टर्न के लिए क्या क्या करना चाहिए, सिग्नल कौन देगा? और आगे जाके अब टर्न करो ताकि राइट साइड में जो कल गाड़ी आपकी कीचड़ में गई थी वो नहीं जाएगी। जितना मार्जिन लेके टर्न करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। स्टॉप करो, स्टॉप स्टॉप। जब सामने गाड़ियां आ रही थी तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए था? तो आपने कहाँ किया था स्टॉप? अगर सामने कोई व्हीकल आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए भाई, पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लो। आप यू टर्न कर रहे हो ना, अगला बंदा तो अपनी जगह सही जा रहा है ना, तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना चाहिए। अभी बढ़ा लीजिए स्पीड और बढ़ाइए, क्लच दबा के सेकंड गियर कर लीजिए। चलो अभी आपका ब्रेक पे पैर आया था गियर बदलते टाइम? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।